हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का वीडियो शाम से शुरू हो रहा है और सॉरी, मैंने 2, 3 या 4, 5 दिन हो गए वीडियो नहीं डाला है क्योंकि कुछ जम नहीं रहा था। मतलब बाकी दूसरे कामों में बिजी थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत टेस्टी यम्मी पानीपुरी वाला पुलाव। हाँ जी, पानीपुरी मसाला डाल के पुलाव बनाऊंगी बिरयानी जैसा, और आई होप टेस्टी बनेगा। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं, आपको लेके चलती हूँ मेरे किचन में, और वहाँ जाके देखते हैं कि पानीपुरी वाला मसाले वाला पुलाव कैसे बनता है। और गाइज, इतनी जम के बारिश हुई है ना, इतनी जम के बारिश हुई है कि पूछो मत। बिजली कड़क रही थी, आपके यहाँ कैसा था कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा, बारिश हुई कि नहीं। तो चलिए किचन में चलते हैं। उसके पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और अब मैं बनाऊंगी छोटे छोटे वीडियो क्योंकि बड़े वीडियोस जाने में बहुत टाइम जाता है। और देखिए ना, लॉकडाउन तो फिर से 1 महीना बढ़ गया। क्या करेंगे, कैसे चलेगा लाइफ, कैसे चलेगी गाइस। और लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी डर कितना है बाहर जाने का, तो कैसे होगा पता नहीं, कुछ समझ कुछ में नहीं आ बातें रहा। ऐसी हो जाती है ना गाइस के मूड आउट हो जाता है, और मतलब आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा कि कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि अच्छा नहीं लगता है कि हम तो मतलब लोगों को कितना अपना समझते हैं पर कोई अपने को अपना नहीं समझ रहा है। और हमें सबकी चिंता है पर किसी को नहीं, किसी को सबको अपने अपने फैमिली की चिंता है, किसी को हमारी चिंता नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो ठीक है गाइस, ये तो जिंदगी है और ऐसा चलता ही रहेगा। और सैड बातें छोड़ते हैं, जल्दी से यम्मी वाला पानीपुरी पुलाव बनाते हैं, चलिए किचन तो में। गाइस, ये मैं बनाने जा रही हूँ पानीपुरी वाली खिचड़ी। पानीपुरी का मसाला डाल के खिचड़ी बनाती हूँ। लॉकडाउन के दिनों में ना गाइस, कुछ चेंजेस करके खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। सामान लेने बाहर नहीं जा सकती, कहाँ से लाऊँ पुदीना और कहाँ से लाऊँ कोथमीर और सब की चीज, तो मेरे पास पानीपुरी मसाला है। तो पानीपुरी वाला पुलाव बनाती हूँ, देखते हैं टेस्ट में कैसा लगेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जो पानीपुरी के मसाला, पानीपुरी के लिए मसाला बनाते हैं ना हम लोग, वो उससे मेरी मम्मी बिरयानी बनाती थी, जैसे पुदीना रहा और जो पानीपुरी में सब मसाले पड़ते हैं वो सारे मसाले लेके मम्मी बिरयानी बहुत बहुत टेस्टी बनाती थी। तो मेरे पास अभी पड़ा है मजीठिया का ये पानीपुरी मसाला पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ इसे डाल के मैं पूरा पुलाव बना लेती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ। इसमें मैंने चावल लिया है और मूंग की छिलके वाली आप दाल। बोलेंगे पुलाव बना रही है और खिचड़ी स्टाइल क्यों कर रही है, तो मुझे ना सिर्फ प्लेन चावल का पुलाव अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा वेरिएशन करके उसमें मूंग की छिलके वाली दाल भी डाल रही है। तो अब मैं इसमें मसाले मैंने डालूंगी, रेडी कर दिए हैं चावल में डालने के लिए, पुलाव में डालने के लिए। नमक है, हल्दी है, लाल मिर्ची पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये कोल्हापुरी ठेचा है और धनिया जीरा पाउडर, ये थोड़ा सा अखा मसाला है, और उसके साथ मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालूंगी इसमें और थोड़ा सा पानीपुरी मसाला डालूंगी। ये मजीठिया का पानीपुरी मसाला मेरे पास है तो वो डालूंगी, उससे ना पुलाव का टेस्ट बहुत एनहांस हो जाएगा। तो सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और अब कुकर की सीटी ले लूंगी मैं अच्छे से, तेल भी डालूंगी थोड़ा पुलाव सा। में डालने के लिए मैंने ऑनियन भी काट लिया है और एक आलू डालूंगी मैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। तो देखिए गाइस, मसाला तो बहुत अच्छा लग रहा है और स्मेल भी अच्छा आ रहा है, तो चलिए अब कुकर की सीटी ले लेते हैं ये सब डाल के। गाइस आप सही मानोगे, इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना कि ना पूछो बात। तो चलिए एंजॉय करते हैं पानीपुरी गोलगप्पे वाला गाइस, हमेशा पुलाव। कोई भी चीज बनाओ ना तो उसे परोसने से पहले पूरी तरह से घुमा दो तो वो टेस्ट अच्छा देता है। तो गाइस अब हम इसे अचार के साथ एंजॉय करेंगे।
यम्मी यम्मी। यम्मी दिख रहा है और यम्मी स्मेल भी कर रहा है। तो देखिए गाइस कितनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे मुंबई में, बहुत तेज बारिश है। बन रहा है डाकोर के गोटे, और बारिश के मौसम में भजिया खाना तो कंपलसरी है ही, तो आ जाइए आप लोग भी भजिया खाने और मौसम एंजॉय करने। आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में और हो गई है रात। तो आपको मेरा पुलाव कैसे लगा? मुझे तो बहुत टेस्टी यमी लगा और बहुत अच्छा लगा, खाने में भी टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और जो नया आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।